हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं सारे गम पर की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन। एंड इसलिए इनकी जो लेगेसी है खास तौर पर से भी देखने में मजा आता है। एक रियलिटी शो संडे सैटरडे संडे को आने वाला है, 26 तारीख से शुरू हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट ऐसा हो गया था क्योंकि कई अच्छे अच्छे गाने आवाजें सुनना मिल जाती है। तो सबसे पहले जिनको सैटरडे के दिन बुलाया गया था, दैट वॉज विजय लक्ष्मी पुली, ए दिल है मुश्किल। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर इस सॉन्ग से नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ड्रामा ना दिखा दें, लेकिन जब इस लड़की ने सुर लगाए हैं उफ मज़ा आ गया यार। आई मीन फॉरगेट अबाउट शी इज एबल टू परफॉर्म एंड ये एंड वो, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ देते हैं वो रियलिटी शो वालों के लिए, लेकिन आवाज़ तो यार बहुत सुंदर है। आई मीन मानना पड़ेगा फीमेल वर्जन में गाना इस गाने को अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है। तो आई वॉन्ट टू हियर दिस गर्ल एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड, आई मीन आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस गर्ल। उसके बाद रिक बासु आए थे दर पे तेरे आके, और उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा फीलिंग थी इसलिए वो गाना कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था रिक की आवाज़ में। लेकिन जिसने मेरा सबसे ज़्यादा दिल जीता है लड़कियों में, मैं कहना चाहूँगी, दैट इज़ निष्ठा शर्मा, बनारसिया। उफ क्या गाया है, मतलब वो गाना सुन के ना मेरे कानों में गूंज रहा है वो वाला गाना। एंड मैंने एक बार फिर से ये गाना सुना और फिर दोबारा सुना क्योंकि मैं उनकी जो मुर्कियाँ जो तान थी, वो जो हल्की हल्की सी हरकतें थी, वो भूल नहीं पा रही थी। तो आई रियली वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड फॉर दिस गर्ल। निष्ठा अभी और कई सारे गाने सुने हैं। मुझे तुम पहले एक गाने में, पहले एपिसोड में बहुत अच्छी लगी हो। उसके बाद रनिता बनर्जी ऑल्सो आई लाइक, लेकिन जो मेरा दिल छीन कर ले गया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे एल्बर्ट का वो बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड एंड इनोसेंट परफॉर्मर, तो वो बहुत सुंदर सा लगता है। और दिल का ये क्या राज है, बहुत मस्ती से गा रहा था, वो सुन के अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, जनरली मैं बैक स्टोरीज की बात करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या है ना, अल्बर्ट की बैक स्टोरी सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जिस अंधेरे को चीर कर तुम स्टेज की रोशनी में आए हो अल्बर्ट, वो इसलिए कहते हैं म्यूजिक हील्स, ये संगीत तुम्हारे घावों को भरने में मदद करे, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो और कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ना, मैं तुम्हें आगे बहुत सारा सुनना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट डे पसंद आए हैं, दैट वाज ऑन संडे 27 तारीख को, दैट इज़ कार्तिक कृष्णमूर्ति। मुझे नहीं मालूम इन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाए या इन्हें ब्लेस्ड चाइल्ड कहा जाए। एक बात है, ये जब गाना भी गा रहे थे ओरे पिया, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम परफेक्शन के साथ गाए, लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ तो भोलापन था, कुछ तो नासमझी थी जो आपका दिल चुरा कर लेकर जाती। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कार्तिक। कार्तिक मैं चाहती हूँ तुमको और सुनो मैं। और फिर अब्दुल आते हैं, अब्दुल भाई साहब जो हैं, फिरता रहूँ दर बदर, वेरी गुड। एक तो ना मुझे उसका कैमरा अपीयरेंस, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी है, बहुत सूदिंग लगी है और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये 3-4-5 कुछ ऐसे नाम हैं जिनको मैं मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दीज किड्स, एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉर इट। बहुत सारे गाने और तुम लोगों से सुने हैं, अभी और कई सारे लोग आएंगे। पहले और दूसरे एपिसोड में तो मेरी ये फाइंडिंग रही है। अगर आपने ये शो देखा है तो लिखकर बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद।